अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? सिर्फ गास अहमद और आप देख रहे हैं गास अहमद ब्लॉग्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने माउंटेंस, सिटीज़ वगैरह और स्ट्रीट एंड फूड वगैरह एक्सप्लोर करूँगा, तो आज मैं आया हूँ एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर मैंने कोरियन फूड वगैरह ऑर्डर किया है, तो आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ कि कौन सा फूड जो है वो मैंने ऑर्डर किया है खाने के लिए और कौन कौन सी डिशेज हैं यहाँ पे खाने के लिए जो हलाल है मुस्लिम्स के लिए वो खा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, वो लोग जो है वो स्पेशली ये कोरियन रेस्टोरेंट पर आते नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत मसला होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ थेजी बनता है, थेजी के अलावा कुछ नहीं बनता है। तो वो उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, अपना माइंड जो है वो क्लियर करें, क्योंकि हर जगह पर थेजी नहीं बनता और क्योंकि हर फूड में थेजी नहीं होता। ठीक है, मैं भी यहाँ पर कोरिया में रहता हूँ, तो आ जाए हमें कोरियन रेस्टोरेंट पर खाना वगैरह ऑर्डर किया, खाना आता है तो आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने जो ऑर्डर किया है वो ये है। ठीक है, ये क्या है? स्पाइसी श्रिंक रोल्स पास्ता। ये पास्ता हमने ऑर्डर किया जो श्रिंक का सीओ का बना हुआ है श्रिंक का, और दूसरा हमने ऑर्डर किया है एक और चीज़ यहाँ पर, ये राइस है। ठीक है, ये श्रिंक पिलफ है, श्रिंक पिलफ ये हमने ऑर्डर किया ये। ठीक है, और इसके साथ हमने और भी कुछ ऑर्डर किए, ये एक ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, ये गोरगोंजोला टोटाइला पिज़्ज़ा। ठीक है, ये पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया स्मॉल, और ये मोज़ा चीज़ बैल हमने ऑर्डर की है। तो चले ये आते हैं, हम आपको दिखाते हैं। पर बहुत सारे मेन्यू हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो खा सकते हैं आप, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खा सकते, जो जो हमने ऑर्डर की है वो हम खा सकते हैं। अभी हमारा खाना वगैरह आ गया, जैसे कि आपने देखा था, मैंने दिखाया आपको खाना वगैरह, तो अभी हमारा खाना आ गया। तो चलिए खाना टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। सबसे पहले मैं ये जो छोटा सा पिज़्ज़ा उन्होंने बनाया है वो मैं टेस्ट करता हूँ। पिज़्ज़ा है छोटा, ये मैं टेस्ट करता हूँ। ये चीज़ से बना हुआ है, ये खाते हैं, टेस्ट करते हैं। ये चीज़ और शहद से बना हुआ है, हनी से, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ पड़ गई जो रूम कर दो, कैसा बने टेस्ट कर। इसके अंदर सारी चीज़ भरी हुई है उन्होंने। अभी ये टेस्ट करते हैं जो राइस बने हैं श्रिंप के, ये पूरी राइस है। स्पाइसी हैं बड़े, लेकिन यहाँ मज़े ही है। कोरिया में यकीन के मैनूज में है कि आप खाना जब भी खाएं तो प्लेट जो है ना वो उठा के खाना नहीं खाना है, मतलब इस तरह आप उठा के खाएंगे तो कोरियन जो है वो बुरा महसूस करते हैं कि इसके खाने का तरीका ही नहीं है, क्योंकि प्लेट खाकर पेट उठाकर खाना नहीं खाना चाहिए। अगर कुछ पानी वगैरह पीते हैं तो वो तो अलग बात है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो अलग बात है, वो तो खा के पीते, लेकिन वो खाने की चीज़ है तो प्लेट को नीचे रख कर खाना चाहिए।
बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी था, मज़ेदार था। इन तरह की पहली बार अभी आया खाना खाने के लिए, इतना ज़बरदस्त टेस्टी खाना है। आप भी आए यहाँ पर, शॉप का नाम जो है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ये उजेंबू शहर में है, ठीक है, उजेंबू सिटी में ये शॉप है, सेकंड फ्लोर का। उजेंबू सिटी जहाँ आप आएंगे तो वहाँ पर सेकंड फ्लोर पर ये शॉप है। आपको उसका मैं एड्रेस वगैरह जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको तो वहाँ से अपने कर के आ जाइए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।